स्वयं। हेलो दोस्तों, 7:30 बजी है और जैसा कि हमेशा होता है, हम वक्त पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त पुनीत भटनागर गेसु संवाद में आप सबका स्वागत और स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और आज के फीचर पिक्चर्ड गेस्ट डॉक्टर क्राइस्ट पॉल। तो क्राइस्ट, आपका बहुत 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 स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और दोस्तों, मैं बताऊं कि क्राइस्ट उन लोगों में है जो गेसु संवाद के साथ काफी अरसे से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की कई तरह से मदद करते हैं, और साथ ही एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में लगातार पूछा जाता है कि क्राइस्ट पॉल कब आएंगे गेसु संवाद के मंच पर। तो दोस्तों, आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब क्राइस्ट पॉल इस मंच पर मेरे साथ यहीं पर विराजमान है। क्राइस्ट, आई एम सो 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 हैप्पी टू होस्ट यू ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म, ऑन योर विद योर ओन कम्युनिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स माय प्रिविलेज सर। ओके, सो बात यहाँ से शुरू करता हूँ, अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ। और क्राइस्ट, आपको ये बताऊँ कि जो बात हम कर रहे हैं, ये उज्जैन वाले ग्रुप पर भी लाइव सेशन इसका चल रहा है, जहाँ करीब 1.5 लाख मेंबर हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो संदेश है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, क्योंकि साइंस की दुनिया में भारत जो कर रहा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, आगे क्या किया जा सकता है, मुझे लगता है इसमें भी आप एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा, जब मैं कह रहा हूँ साइंस, मेरा मतलब बीएससी करने से नहीं है, मेरा मतलब है प्योर साइंस में आए, रिसर्च में आए, उसकी एप्लीकेशन में आए। और आज डॉक्टर पॉल हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताए। तो क्राइस्ट, मैं बार बार डॉक्टर पॉल पॉल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पॉल नॉर्मल, इज या पॉल इज मच बेटर और क्राइस इज द बेस्ट। ओके, तो मैं आपको क्राइस्ट बोलूँ। यस ओके, तो क्राइस्ट, हमें ये बताइए कि ये आज आप दुनिया के कुछ 2% लीडिंग साइंटिस्ट में आपका नाम पिछले दिनों एक लिस्ट में आया है, और जो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हमेशा जैसा होता है, एक अचीवमेंट जब मिलता है उसके पीछे एक बहुत लंबी यात्रा होती है। तो आज का संवाद इस अचीवमेंट के बारे में तो है, लेकिन उससे ज्यादा उस यात्रा के बारे में। सो हमें बताइए कि ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई, क्या आप अपने बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि एक जो व्यक्तित्व आपका घड़ा गया है, जैसा बना है, ये कैसे हुआ, तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। सर, शुरू में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मैं टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करना चाहता था। ये तो इट वाज नेवर द केस। सच ये है कि जो व्यवस्था थी, जो पेरेंट्स का सपोर्ट था, जो फैमिली के सिस्टम थे, उसमें कहा जाता था इंजीनियर होना अच्छी बात है। एंड आई वाज डूइंग दैट राइट। आई मीन से रोड पीटी एंड देन यू नो केम टू दिस एंड प्रायर टू दैट आई वाज टॉपर थ्रू द स्कूलिंग। एंड जब घेसू आने के बाद यही था कि भाई घेसू कर लेते हैं, बी टी करने के बाद एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तो ठीक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि गेसु तक हम पहुंचेंगे, गेसु के बारे में लोग जानते भी हैं, वहां पे आपका काल कैसा रहा। लेकिन मैं पीछे जाना चाहता हूँ कि गेसु में भी आए उसके पहले क्या हुआ। वेरी सिंपल है। मैंने देखिए, हम लोग चार भाई बहन थे और हाँ सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये थी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की जो 3 महीने होते थे, हाँ उसमें जो मेरे पिताजी की जो इनकम थी, बिकॉज उस जमाने में ना मंथली स्कूल की फी होती थी, और जो मेरे पिताजी की सैलरी होती थी वो इतनी होती थी कि हम तीनों की जो डबल फीस, चारों की जो डबल फीस जमा करते थे तो उसमें खत्म हो जाती। तो सबसे पहले कहीं तो एक दिमाग में था कि कंफर्ट जोन होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट्स मेकिंग मनी एंड वी स्ट्रगल, यू नो वी मेड द थिंग्स हैपनिंग, पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एवरीबडी वर्क टूगेदर टू मेक द थिंग्स हैपन। क्या बात, क्या दिस बात। वॉज अ थिंग। एंड हाउ डिड वी स्टार्टेड ऑन?
ओके तो मुझे मुझे ये बताओ कि तुम चार भाई बहनों में कहाँ पर है, कौन सी पायदान पर? मैं सबसे बड़ा हूँ एंड सबसे दैट वाज द बड़ा? बिगेस्ट चैलेंज, यू नो दैट वाज द ओके बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज एवरीबॉडी वाज सीइंग यू, व्हाट आर यू डूइंग एंड हाउ यू आर मूविंग विद दैट, एंड सबसे पहले आपको सेटल होने की यू नो रिक्वायरमेंट थी, बिल्कुल बीइंग द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली. बिल्कुल। तो स्कूलिंग कहाँ हुई तुम्हारी? मैंने भोपाल में सबसे पहले डीएवी स्कूल में, बिकॉज स्कूल में वहां पे पहले मैंने अप टू 8 स्टैंडर्ड किया, उसके बाद 9, 10, 10th आई डिड फ्रॉम सेंट फ्रांसिस, 11, 12th आई डिड फ्रॉम सेंट जॉन्स. तो मतलब एज फार एज ही इज कंसर्न कि जब मैं अप टू 8 स्टैंडर्ड था, तो 8th स्टैंडर्ड में जब डीएवी स्कूल जाता, जो एक आर्य समाज के द्वारा संचालित स्कूल है, तब वहां पर भी ऐसा कभी नहीं लगा ना कि यू नो लाइक वी गाइज आर क्रिश्चियन एंड देन वी आर अनटचेबल, वी आर पार्टिसिपेटिंग इक्वली. और वहां पर हर सैटरडे यू नो हवन होता था, तो आप जा रहे हो उनके साथ बैठ रहे हो, कई बार आहुति के लिए भी बैठा दिया कि चलो बैठो करो. सो यू नो लॉट ऑफ जो हिंदुस्तान की खूबसूरत है, तो है ना आप शुरू से एक ऐसे कल्चर में बड़े हुए जहां पर यू नो डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंस का कोई स्कोप नहीं, एंड जहां पर भी है सब लोग मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं. सो दैट वॉज द वे वे. Then I went to St. Francis. St. Francis में भी it was a missionary school. Then, you know, सबसे पहली बात बोलूं कि जब मैंने डीएवी छोड़ के St. Francis किया, my parents went and talked to the principal over there. तो प्रिंसिपल ने तो एक ही बात बोली, देखिए दिस स्कूल इज गुड एंड वेरी गुड, यू नो दैट यदि आपके बच्चे पास होगा ना रिटन टेस्ट में तो ही हम लेंगे. एंड आई एम टेलिंग यू द कॉन्फिडेंस माई पेरेंट्स हैड ऑन अस, ही सेड सर आप तो एडमिशन की तैयारी करें, एग्जाम तो कर ही लेगा. ओके क्या बात, क्या सो दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस पेरेंट हैड. एंड देन और वो जब ऐसा मालूम चलता है ना, तो फिर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर टू डिलीवर, यू नो आई मीन टू से यू वांट टू डू सो दैट देयर होप डजंट फॉल, एंड उसके लिए जो कुछ करना है करते हैं. और किया भी, मतलब आई विल से दैट. और ये बिल्कुल नहीं था कि जैसे मेरे लिए तो आई वॉज गोइंग ए वेरी कन्वेंशनल पाथ अहेड विद दैट, बट इफ यू सी माई ब्रदर, उसने बिल्कुल डाइवर्शन लिया, उसने बोला नहीं सिविल सर्विसेज करेंगे. उसके ओके क्या बात, दिमाग में यह था कि नहीं बस एक ही फंडा है, गाड़ी तो अपने घर में बत्ती वाली होनी चाहिए, लाल की हो या पीली, वो अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे. ओके क्या बात, सो दैट सॉर्ट ऑफ व्हेन ही इज इन पुलिस सर्विसेज. सो मैं आई एम टेलिंग यू हाउ द थिंग्स हैपेंड ओके। एंड वी रीच्ड टू दिस पॉइंट. तो उस दौरान तुम्हारा इंजीनियरिंग में या साइंस में किसी तरह का कोई रुझान था क्या? सर मैं ये बोलूंगा कि कुछ करने की तो इच्छा थी, पढ़ने में आई वॉज स्टूडियस, लाइक इवन इफ यू इफ ऑल माई बैचमेट नोज की गेसू में भी इवन स्कूलिंग में भी आई वॉज द गाय हु वॉज यू नो हमारे बैच में तो ये होता था कि सेशनल की 2-3 कॉपियां बनती थी, यू नो उनमें से एक कॉपी मेरी होती थी. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग वॉज देयर. सो इट वॉज लाइक तो दैट वाज आल्सो एक ग्रेट अचीवमेंट, वो ओरिजिनल कॉपी तुम्हारी होती थी। यस 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 यस. तो स्कूल में और कुछ हॉबीज तुम्हारी कल्टीवेट हुई, कुछ और ऐसा हुआ? क्योंकि ये फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं जिनका कभी कभी बहुत फर्क पड़ता है। कोई ऐसी मेमोरी तुमको याद है स्कूल? मैं आपको बताऊं, आई वॉज बिट एम्बिशियस यू नो फ्रॉम डे वन. एक्चुअली व्हाट हैपेंड व्हेन आई केम टू सेंट जॉन स्कूल एंड दैट इज फॉर एडमिशन इन 11th, तो हमारा तो 10+2 का फर्स्ट बैच था, तो लाइक वी वर द सीनियर मोस्ट फॉर 11th एंड 12th. एंड मैंने उस कोलिग से भी शेयर किया जो मेरा उस वक्त था, जितेंद्र पाटीदार, तो इन 11th ही वॉज स्कूल कैप्टन. एंड जब उसको स्कूल कैप्टन का बैच लगा, तो मैं तो नीचे लाइन में खड़ा था बिकॉज आई वॉज द न्यू कमर इन द स्कूल, बट कहीं ना कहीं लगा बॉस ये बैच तो अपने पास ही होना चाहिए. सो दैट यू नो दैट ड्राइव्स एंड देन गो फॉर इट. देन आपने जब देखा कि हाउ द थिंग्स आर डन, यू नो हाउ व्हाट इज द रूल ऑफ द गेम एंड हाउ शुड यू मैनेज, देन उस जमाने हमारे स्कूल में कुछ ईएलसी ओलंपियाड जो स्कूल का ग्रुप था उसका कुछ ओलंपियाड हुआ था. आई वॉज द गाय हु वॉज वेरी मच हेल्पिंग द टीचर्स एंड यू नो कॉपरेटिंग विद देम एंड हेल्पिंग देम मेकिंग इट हैपन, ऑर्गेनाइजिंग द स्टफ. एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि आपको सब टीचर्स, यू नो दो आई वॉज ए न्यू कमर इन द स्कूल, बट बाई अक्टूबर नवंबर ऑल टीचर्स आपको पहचानते हैं, और जब आपको पहचानते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगती है, फिर आपकी कैपेबिलिटी समझ में आती है. एंड मैं तो ये बोलूंगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है. मैं और एक बीजू मैथ्यू नाम का बंदा था, हम दोनों स्कूल आते थे एक साथ साइकिल से, ना दोनों साइकिल से स्कूल जाते थे. एक दिन बीजू मैथ्यू ने मुझसे शर्त लगाई कि यार तू कभी फेल नहीं हो सकता. ओके
क्लास के साथ, मैं कहा फेल होने में क्या हो जाते हैं. एंड व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ क्लास टेस्ट, एंड चूंकि मैंने शर्त लगाई थी तो मैंने कुछ नहीं लिखा और कुछ भी गार्बेज लिख के आ गया, एंड आई वाज फेल्ड इन द क्लास. जैसे ही मैं फेल हुआ तो टीचर ने कॉपी चेक की, बोले ये क्या नतीजा है, मुझे स्टाफ रूम बुला लिया, पेशी हो गई सबके सामने, ये क्या हो रहा है. तो जब पेशी हुई तो मैंने टीचर को बताया, मतलब बिकॉज यू नो वंस यू आर कॉर्नर्ड एंड देन यू हैव टू स्पीक आउट, एंड साहब मैडम कुछ नहीं, आई कुड हैव रिटन बट बैट लगी थी. देन दिस आई वाज ब्रॉट टू आई वाज टेकन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के सामने खड़ा किया. प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, इसका कल फिर एग्जाम होगा एंड ये एग्जाम पूरी क्लास का होगा, केवल इसका नहीं होगा, और मैं एग्जाम दूंगा. ओके, ही केम इन द क्लास एंड ही टोल्ड कि भाई आज जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में या तो 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे या 20 आउट ऑफ 0 मिलेंगे, नो इन बिटवीन. दोज हु वांट टू राइट दे शुड राइट. ऑब्वियसली मेनी पीपल डिडंट राइट, यू नो, मीन टू से, एंड शायद दो बच्चों ने लिखा जिन्होंने बेयरिंग किया कि यू नो, और चूंकि एग्जाम आपके लिए हो रहा था, आई डोंट हैव ऑप्शन, यू नो, यू हैव टू राइट ऑन दिस, एंड आई स्कोर. आई मीन टू से दैट सॉर्ट ऑफ चैलेंज. तो ये दैट टेल्स अस कि भाई क्राइस्ट किस मिट्टी का बना है, मतलब वो जो आदमी तुमको वहां पे दिख रहा है वो आदमी कहाँ से आया है. आई थिंक दैट टेल्स अस. एंड हाँ, बेट लगा ली और एग्जाम में फेल होने की भी बेट लग गई, ये तो पहली बार मैंने सुना, क्योंकि लोग ये तो बेट लगाते हैं कि मैं नंबर वन आऊंगा और तेरे को नहीं आने दूंगा, लेकिन ये बेट कि हाँ भाई हम फेल होके दिखा. आई थिंक दैट्स वेरी क्रिएटिव ऑफ योर फ्रेंड आल्सो. I will add one more thing is कि and I am again grateful to the teachers, उन्होंने मुझे फेल होने नहीं दिया finally. हाँ ये बात. Because they arranged exams and thing came in the flank, so that was. अब ये जो creative बंदा है और ये जो ambitious बंदा है, ये गेसो आ गया. तो गेसो में तुम्हारा अनुभव कैसा? गेसो में हम जैसे आए तो सबसे पहले हमें कहा गया रहने के लिए, तो विवेकानंद कॉलोनी में रहते थे गाय के मकान से. हमें लोग को तो कुछ मालूम नहीं था, हम चार बंदे भोपाल से आए थे, मैं, नवीन भाटिया और महेंद्र भगत एंड संतोष मायर. सो वी फोर पीपल वर यू नो स्टेइंग. तो वहां पर भी अच्छा था, अच्छा कॉपरेशन चलता रहा, बीच में चलता रहा. फर्स्ट ईयर में तो आपको मालूम है शुरू में काफी रैगिंग वैगिंग भी होती थी, तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. बट उस जमाने में एक बड़ी अच्छी घटना है जो अभी भी मुझे ध्यान है कि एक बार हम सबको इंदौर रोड पे जो लाइन बना के सुताई होती थी, वी पीपल ऑफ आवर जनरेशन नो एट लीस्ट दैट वेरी केयरफुली. तो वहां पर खड़ा हुआ था तो एक ही सिस्टम था कि मारो जाके लास्ट में खड़े हो जाओ, फिर सेकंड मारेगा, दैट इज अनलेस द बस कम्स, यू नो दिस विल गो ऑन कंटिन्यू. इन बिटवीन किसी क्रिएटिव आइडिया का आया कि यार एक काम करो, इन सबसे आज लेट्स आस्क देम, यू नो, गाली बकवा. जो सबसे क्रिएटिव गाली बकेगा वो बचेगा, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ. ओके, तो वी वर ऑल स्टैंडिंग देयर गाली देने की बारी हुई. तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि नहीं यार आज बचना है, मतलब अब हम बहुत पिट लिया. तो गाली भी ऐसी थी, और उस वक्त गाली ऐसी थी कि जो उधर बॉस था, आई विल नॉट नेम दिस जेंटलमैन्स नेम हियर, उसने बुला के मेरे को बुला टीले पे बैठा, चला इधर बैठ, आज से तू मेरा भाई. सो आई एम टेलिंग यू नो कि जो आप सोच रहे थे, जैसे सुविधा मिल रही थी और द थिंग्स वर हैपनिंग, वी ट्राई टू, यू नो, आई ट्राई टू मेक इट हैपन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. दैट मेड मी थिंक रेसिंग. ओके, सो यू आर अ फाइटर इन अ सेंस, सर, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड यू आर अ फाइटर. एंड आई थिंक दैट इज गिविंग मी, मैं अपने मन में एक इमेज बना रहा हूँ, एक तस्वीर बना रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ. That's great. और येसु की कोई याद है, कोई टीचर्स हैं जिन्होंने तुमको इंस्पायर किया हो? जब टीचर्स की बात करेंगे सर, हमने मतलब यू नो व्हेन यू गो टू द कॉलेज एंड यू से कि यू नो हाउ यू शुड लुक इफ यू गो फॉर ए टीचिंग प्रोफेशन. सो उस जमाने में भी प्रोफेसर एम एल पांडे यू नो थे जो हमें मटेरियल साइंस पढ़ाते थे. नो आई सी यू नो द पर्सन, द कामनेस ही हैड, द कॉन्सेप्ट ही यूज्ड टू टेल टू द पीपल, एंड यू नो मेंटल से इट वाज मार्वेलस. एंड यू नो लाइफ में आप किसी को देखते हो ना कि यू नो आई शुड बी लाइक दिस, यू नो आई मीन आई शुड बी लाइक दिस,
And I'll tell, as far as the faculty position is concerned, I see him, you know, I wanted to be like him, and I don't know, other people can tell, you know, judge me whether I am like that or not. But at least, you know, aaj bhi koshish hai ki, you know, us jaisa banda jisko knowledge achhi ho, bachcho ko acche se padhaye, understand with the empathy, you know, that is the most important part. And I try to do it. I am having goosebumps right now, Krish, when you're talking about Dr. Pandey, because multiple forums pe maine bhi ye kaha hai, aur mujhe bhi engineering college Ujjain mein Pandey ji ne, Pandey ji ne मुझे इंस्पायर किया है. मैं कहूंगा कि इंस्पायर से ज्यादा उन्होंने मुझे इंस्टिगेट किया है कि आज मैं क्रिएटिव बंदा हूं और क्रिएटिव काम करता हूं. बिकॉज मुझे आज भी याद है जो तुम कह रहे हो ना, जो एम्पैथी उनके अंदर, वो एम्पैथी थी उनके अंदर, एक जेन्युइननेस थी, एक तरह की ऑथेंटिसिटी थी. मतलब मैं उनकी तारीफ करने लगूंगा तो पूरा सेशन निकल जाए, क्योंकि आई थिंक वेरी हम्बल पर्सन, विनम्र थे, लेकिन इतनी तैयारी से पढ़ाते थे. और कई बार मुझे ऐसा लगता था क्लास में कि शायद पांडे जी पूरी क्लास को नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ मुझे पढ़ा. That is the beauty, sir. Yeah, I also, you know. It was a kind of connection, and I don't know how it happened. आज की तारीख में मैं हिप्नोसिस वगैरह पे भी बहुत कुछ काम कर लेता हूँ, करता हूँ, and I think he had that capability to connect with people. मैं पूरी भीड़ में कुछ 40-50 बंदों के बीच में बैठा हूँ, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कौन सी क्लास में उन्होंने मुझे क्या बोला था जिसके कारण मैं आज यहाँ बैठा. तो उसके बारे में बात करूंगा किसी दिन, पर आई एम सो वेरी हैप्पी एंड नाउ आई नो, एंड देयर आर मोर पीपल इन गेसु हु टोल्ड मी कि पांडे जी ने उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर डाला. एंड आप जब कहते हो कि उनको देख के आपको लगा कि अगर मैं एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर मुझे बनना है तो ऐसा बनना, आई थिंक इट्स ए ग्रेट थिंग. एंड आई एम इन दिस विद यू राइट नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट. और कुछ याद है कॉलेज के बारे में? उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा कि जो गेसु 92 का बैच था, नो द पीपल वर वेरी फ्रेंडली सपोर्टिंग, यू नो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अकेले पड़ गए. यानी मैंने गेसु की तो खुशी से आदत ही है, गेसु के सब लोग वैसे ही रहे हैं, बट द पीपल, यू नो, स्टैंडिंग फॉर ईच अदर, यू नो, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, होमवर्क नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, ड्रॉइंग नहीं बन रही है, यू नो, मैकेनिकल इंजीनियर्स को ड्रॉइंग नहीं, पीपल आर देयर राइट टू, यू नो, राइट अवे टू हेल्प यू इन एवरी स्टेप. उसके बाद मैं बोलूंगा कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर में वी मूव टू श्रीराम लॉज. And Shriram Lodge itself was a, like, you know, institution. Yes. so many episodes and probably, you know, बहुत सारी कहानी हुई है. So it was really great staying there. And probably if I talk of the transformation of the personality, see, एक चीज होती है ना कि you want to do it, and another एक दूसरी चीज होती है कि you get opportunity to do it, you know, so that you feel, you know, how to move it. Yeah. So this is really, you know, so many things, and I'm telling you, you know, I'll acknowledge here ki I was not the guy, you know, jo un sab ke saath juta hua tha. I was the backbencher, you know, doing all the mischiefs, you know, I was never on that. Mm-hmm. But again, you know, you sort of learning ki na bas aisa bhi hota hai, you know. Mm-hmm. And I learned a lot from my colleagues, my friends who journeyed with me for, you know, all the 4 years. So it's marvelous. Yeah, that's fantastic, because jab tum 92 batch ki baat kar rahe ho, to मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा भाई अमित भटनागर, बहुत सारे लोग उसे जानते हैं, वो भी 92 बैच से है. तो एक तो मैं उस तरह से भी 92 बैच से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, उसके अलावा संजय किमेसरा भी 92 बैच से है, बहुत सारे दोस्त हैं जो 92 बैच से हैं. कभी कभी मुझे लगता ही नहीं कि मैं उनका सीनियर हूँ, क्योंकि मैं मिनाज के साथ भी बहुत काम करता हूँ, गुंजर के साथ भी काम करता हूँ, जो कि सब 92 बैच के. और तुमने राइटली कहा, मतलब कहीं ना कहीं श्रीराम लॉज एक बहुत अच्छी जगह रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चिरेंद्र कदरे भी इस मंच पर मेरे साथ जुड़े थे, वो भी हमारे साथ थे, हमारे रूम के सामने. और ही आल्सो स्पोक अबाउट श्रीराम लॉज एंड इट्स इंपॉर्टेंस. सो आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, एंड दैट्स हाउ आई थिंक कि एक वो जो इयर्स होते हैं, वो जो इन्फ्लुएंस होता है लोगों का, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
और इट्स गुड टुडे टू रिकॉग्नाइज दैट, टू नेम पीपल एंड से ये लोग थे जिन्होंने कहीं हेल्प की, जिन्होंने साथ दिया। और जैसा कि तुमने कहा, पूरा गेसु गेसु पूरा साथ खड़ा रहता है एक दूसरे के। और पेंडेमिक के दौरान जो हमने देखा है, जिस तरह से गेसु के सब दोस्त, मैं कहूँगा नाम अगर लेना चाहूँ तो जिनका लेना चाहिए, गुंजन सिद्धा है, अतुल जैन सर है, अमित जैन है, अमित गुप्ता है, और बहुत सारे दोस्त, सबने बहुत काम किया है पेंडेमिक। तो एंड आई थिंक दैट गिव्स अस सेंस ऑफ राइट कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं जिसके डीएनए में ये सब कुछ था। मतलब ये कोई किसी मिशन में, देखिए कॉलेज का कोई मिशन तो लिखा नहीं गया था, कोई विजन तो लिखा नहीं गया था। वो अगर प्रिंसिपल साहब के कमरे में बोर्ड पे लिखा भी होगा तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा। सही है, कहीं ना कहीं ये उस कल्चर का पार्ट था। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर नर्चर्ड दैट। तो अब यहां से गेसु से जब बाहर जाने की बात है तो दिमाग में क्या चल रहा था और तुम कहां पहुंचे? देखिए, जब मैं हमें ध्यान है, मुझे ध्यान है कि 92 में सिंहस्थ मेला हुआ था। सो हमारे एग्जाम्स डिले हो गए थे, उसके बाद रिजल्ट समवेयर सितंबर एंड अक्टूबर में आया था। तो सबसे बड़ा प्रेशर प्रॉब्ली इन होल ऑफ माय लाइफ वाज दिस ओनली कि आई एम द एल्डेस्ट वन एंड आई शुड हैव जॉब, शुड डू समथिंग। एंड हम लोगों ने जो भी तीन चार फ्रेंड्स भोपाल के थे, जॉब कंसल्टेंट्स के यहाँ चक्कर काटे, उनको सीवीज दिए, यू नो जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते थे किया। आई मीन टू से दैट वाज आल्सो ए टाइम। And after that, you know, many people joined GI, you know, if we talk of my batch, you know, we were like many people, like we had a Girish Nanoti, then Koshi John, and myself, and Santosh Nair, like 4-5 people joined GI, and then वहाँ पर भी फिर अच्छा ही माहौल था, एक दूसरे को सपोर्ट करना, you know, एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना लोगों के बीच में। एंड स्पेसिफिकली सबको ये मालूम है कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, you know, मतलब so that was a really good experience. And in the especially in formative years we had bosses from the defense team and we learned a lot, you know, in the private company. So I was in the design working on that, and mera kaam tha design of the heat exchangers. Girish mere saath tha, Koshi was in the marketing, you know, bindas banda. So but again, no, it was never the classic, you know, working together, you know, quoting for the company and getting the orders. And us waqt badi interesting baat ye hoti thi na ki designers ke sath yadi design galat ho na, ya to order milega ya nahi milega, aur milega na to itni badi galti ki hogi aapne ki wo you are the lowest one, right? You know, so jab tender khulte the to sabse pehla yehi dekha jata tha ki yaar difference kitna hai hamara ragle ke beech mein, kahi galti to nahi hui. So that sort of challenge, and I remember, you know, how the things were and how things were made and did it. So that was a wonderful journey in the formative years with lot of pressure. Yes, friends were around, masti karne ko samay milta tha, understanding team thi, but pressure was there to perform. Yes. Iske alawa aur kisi company mein, corporate sector mein bhi tha? Yes, main GI ke baad main gaya Crompton Greaves mein. Crompton Greaves ka T3 division Bhopal mein aa raha transformer thi. And what happened now, the Crompton Greaves wanted to make power transformers. So what they did is they took all the big shots from BHEL, you know, those who are working in the transformer, and they gave them some very nice compensation package, and they joined Crompton Greaves. So I worked there for a couple of months, and this was also a, you know, good opportunity. Jab aap ek company mein jaate ho jiski sirf zameen hai, you know, you say ki T3 division yahan aane wala hai, kahan pillar hoga, kahan drawing hogi, everything you are doing, right? And usme ek aur badi interesting baat hui ki jo mera ghar tha, वो घर जो था वो गेस्ट हाउस के बिल्कुल पास था। और जो हमारी बस जाती थी उसकी कैपेसिटी थी 20 सीटर, और आई वाज़ द 21st। तो हमारे जीएम ने बुला के बोला, एक काम करना, यू कम इन गेस्ट हाउस व्हीकल। तो मेरे का बहुत अच्छी बात है यार, मेरी जगह वहां नहीं, मुझे घर के पास है, बोल रहा है गेस्ट हाउस की गाड़ी में चले जाओ। आफ्टर कपल ऑफ डेज, यू नो, वेरी वंडरफुल थिंग हैपेंड। ही सेड, यार वो गाड़ी जा रही है एयरपोर्ट, why don't you pick him also, you know, pick the guest and bring him here, you know, tell the people and all. So meena na, jab see
इट वॉज दो पेन एट दैट टाइम यू नो आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या यार, मेरे साथ दोस्त बस में बस्ती से चले जाते हैं और मैं को सुबह ना 7:30 बजे उठा के बोलते हैं जा एयरपोर्ट जा एंड ब्रिंग द विजिटर. बट यू नो उस समय आपकी एक लर्निंग होती है कि यू नो एक कॉरपोरेट में जब सीनियर आदमी आता है तो वो क्या सोचता है या क्या देखता है. सी बीइंग द पर्सन इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी यू सी द पीपल ओवर देयर. स्पेशली जब आप उसके साथ गाड़ी में साथ में आ रहे हो, देन यू यस कैन पिक हिज ब्रेन्स यस एंड देन वो कितना बड़ा है, आप कितने बच्चे हो, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता. दे ऑलवेज एंटरटेन यू, राइट राइट. यू ऑलवेज जिस लव उस वक्त समथिंग. या उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट होते थे क्रॉम्पटन ग्रीव्स के मिस्टर टीके मुखर्जी, टीकेएम बोलते थे सब उनको. हाँ. एंड यू नो टीकेएम के लिए यू नो क्राइस्ट वाज लाइक यू नो समबडी हु नोज ही वेरी क्लोज. यू नो उसको कुछ कहना है किसी जीवन में लेकर क्राइस्ट को बुला दो, राइट आई विल बी. ओके बट ओके अगेन यू नो एट ए पर्सन हु इज जस्ट ए डिजाइन इंजीनियर, उसको एक वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं ये दिस द गाय एंड दिस रैपो यू कुड मेक बिकॉज वी आई सेक्रीफाइस. यू नो आई मीन टू से मेरे बस सब दोस्त में गए, मेरे सब दोस्त बस में गए और सुबह उठ के आप उसको लेने गए या जो भी आपको बन. आई मीन टू से दिस वाज द थिंग एंड आई विल से कि इट दैट मेक्स द थिंग डिफरेंट. यू नो यू लर्न द थिंग्स, ट्राई टू अडॉप्ट द थिंग्स हाउ द थिंग्स शुड बी. या Yeah, but I think things are adding up. Things are adding up for me. मेरी उस तस्वीर में चीजें जुड़ रही हैं. अच्छा अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था. What are the competencies that Christ was learning that time, and what you are doing? How, in some way, this that puzzle is now filling it up for me. तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर में करीब मेरे ख्याल से 1.5 साल के करीब रहे होंगे. हाँ, अराउंड 1.5 years, yes. जो आपका सीवी दिखता है उसके साथ 1.5 साल की yes, करीब है. yes, yes, yes. उसके बाद आप आरआर कैट में. आरआर कैट में घुसने की भी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है. ओके. एक्चुअली क्या होता था कि हम लोग सब आरआर कैट की वैकेंसी निकली और उसमें रिटर्न एग्जाम देना था आके. और मैंने और मेरे दो दोस्त थे, दे आर नॉट फ्रॉम गेसू बट अदर पीपल, वी डिसाइडेड थ्री ऑफ अस कि यार थोड़ा घूम के आते हैं छुट्टी मार के. उस वक्त मैंने ये भी सोचा कि अपनी डिग्री भी ले लेंगे, विक्रम यूनिवर्सिटी जाके डिग्री ले लेंगे और कैट का रिटर्न टेस्ट भी दे देंगे और आ जाएंगे. तो इंदौर आए, रिटर्न टेस्ट दिया. मेरे दोस्त जो दो दोस्त थे, दोनों दोनों का रिटर्न टेस्ट में तो नहीं हो बट मेरा रिटर्न टेस्ट में हो गया. अब रिटर्न टेस्ट में हो गया तो दूसरी समस्या कि ना आप सोच रहे थे कि आज रिटर्न टेस्ट देंगे थोड़ा मस्ती करते हुए, रिटर्न टेस्ट में तो होना नहीं है, कल चेंज जाएंगे डिग्री लेंगे घर चले जाएंगे 2-3 डेज का ब्रेक. बट मेरा रिटर्न टेस्ट में हो गया. ओके. उन्होंने बोला बस कल सुबह आ जाओ इंटरव्यू के लिए. नेम वाज इन द लिस्ट. ठीक है, इंटरव्यू में गया. एंड यू नो इंटरव्यू में जब मैं गया और क्वेश्चन पूछने शुरू किए तो कुछ तैयारी व्यारी तो थी. यू नो लकली इनफ दे हैड अ वैकेंसी फॉर अ पर्सन हु कैन डू द यू नो हीट ट्रांसफर डिजाइन एंड ऑल एंड अपने. और तो फिर हमने उस पे काम कर जाके इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया and joined the RRK. So that's the way thing happened. Okay. Yeah, so it's almost like कि बहुत lightly लिया था, इतना सोचा नहीं था. तो जो तुमने शुरू में बोला है कि मेरे को साइंटिस्ट ही बनना है, ऐसा सोच के नहीं गए थे कि भाई RRK में तो जाएंगे अपने को साइंटिस्ट बनना है, ऐसा ऐसा कहीं रडार में नहीं था. ओके. एंड जिंदगी ऐसा ही खेल खेलती है. I think that's how dots get connected. Many times dots gets connected for no reason. I think no apparent reason. Let me put it this way. शायद कुछ होगा, शायद उस बड़े पिक्चर में कोई कनेक्शन होगा, लेकिन हमारे लिए अपेरेंट नहीं होता. तो अब आरआर किट तो एक बहुत अलग तरह की जगह है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना एक अलग तरह का काम है. और आरआर किट में तुम आए तो यहाँ पर वाज देयर एनी आई वुड से कोई एक तरह का बम्प आया काम करने के तरीके में, या थिंग्स रिमेंड द सेम? नहीं, आई विल से हियर व्हेन यू टॉक ऑफ आरआर किट, आई वाज लकी इनफ टू हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉस एट द टाइम. नो ओके. तो प्रोफेसर एके नाथ, यू नो ही सुपरन्यूटेड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एज अ प्रोफेसर, ही वाज माय बॉस. एंड उनकी इनवेरेबली ऐसी सिचुएशन थी कि वी यूज टू वर्क एंड एंड आई वॉज वेरी अग्रेसिव टूडे यू नो फॉर एनी थिंग एंड मेनी थिंग्स आई यूज टू आस्क हिम सो मेनी क्वेश्चन एंड एंड सिंस आई हैड ए कि भाई जो सीख के आए ना कॉर्पोरेट का जो बनने लर्निंग की हुई है इसको छोड़ना नहीं है. नो दो यू आर इन द गवर्नमेंट सेक्टर, लेट्स मूव विद दैट, राइट?
तो करा एंड प्रोफेसर नाथ मेनन ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग एंड गाइडेड मी एंड थिंग हैपेंड एंड वी वर इन्वॉल्व इन टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर सीओटू लेजर एंड उस समय जो मेरा रोल था वो था थर्मल डिजाइन ऑफ द यू नो होल सिस्टम अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्क एंड थिंग हैपेंड सो वी मेड 2.5 किलोवाट लेजर देन वी मेड 5 किलोवाट देन वी मेड 10 किलोवाट एंड देन 20 किलोवाट So 20 kilowatt CW02 laser we built indigenously here. And 20 kilowatt ke jab design ho raha tha, tab Professor Nath ne bola, yaar dekho 20 ho gaya and ab to solid state laser aa rahe hain. So I think we may not go ahead. Let's go for the applications, application of these lasers. And you know, what is the bad part happened in that? I was the person who was convening the design and execution of 20 kilowatt laser. तो क्या हुआ मेरे जितने कोलीग्स थे ना उन सबको एप्लीकेशन चूज करने का मौका मिला somebody started laser cutting, somebody started laser welding, somebody started surface modification, you know, all different, different. And Puneet sir, I'll tell you, when I came in 2002 to select the application, I had none. मैं सर पीट रहा था कि यार बॉस अब तो मेरे पास एप्लीकेशन ही नहीं बची अब क्या करूं अब जब एप्लीकेशन नहीं मिली तो मरता सोना क्या करता इंटरनेट में बैठो उस जमाने तो 2002 में तो एक ही टर्मिनल होता था हमारे पूरे ब्लॉक में जहाँ पे आप इंटरनेट में सर्च कर सकते थे और वो डॉस बेस्ड सिस्टम ही होता था ढूंढ डाल के कुछ कुछ सर्च करना शुरू किया एंड समहाउ आई गॉट इट कि यार लेजर में ना लोग कंपोनेंट बनाने की बात कर रहे हैं एंड दिस वॉज डन इन सांडिया नेशनल लैब तो हम लोग मैंने सोचा बॉस को आके बोला कि यू नो नाथ को कि यार कैन वी स्टार्ट दिस एक्टिविटी तो उन्होंने मुझे बोला कि गो अहेड नो प्रॉब्लम बट तुम्हें इतना काम है सांडिया वालों से अपन बात कर रहे हैं दिस इज मैंने नहीं सर लेट्स ट्राई तो दिस वाज ऑन फ्राइडे एंड इनवेरेबली मंडे को मेरा बॉस आगे मुझे बोलते हैं कि क्राइस्ट डोंट कम विद यू नो वेरी गुड आइडियाज ऑन यू नो फ्राइडे द प्रॉब्लम विद मी इज तुम मेरा वीकेंड खराब कर देते because then I'll be not thinking about the family then I'll be you know doing some research for you and because Monday ko tum aake mere puchoge ki sir kya socha aapne so I have to really you know work on it and so that happened and then that was the aggression I'm talking a professional aggression I'm talking right then started then 2000 acha in between 99 mein I did my M.Tech also from GS okay so लेजर पे काम करना शुरू किया yes. तो इसमें क्या अलग था जब आप लेजर एप्लीकेशन में काम कर रहे थे पहली बात तो ना हमें कुछ मालूम नहीं था सी वी हमने तो ये देखा था कि सांडिया नेशनल लैब में ऐसा काम हुआ है और उसको यहाँ रिपीट करना है एंड वी हैड कपल ऑफ यू नो थीसिस जिसमें जो कुछ लिखा था उसी को पढ़ के समझ रहे थे एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो हम हिंदुस्तान में इंडियन मार्केट में जो सामान खरीद रहा है वो सब जोड़ जोड़ के वो सब बनाने की कोशिश कर रहे थे एंड सर वेरी इंटरेस्टिंग बात जब हमने मेटल पाउडर खरीदा तो हमें ये नहीं मालूम था पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए एंड हमने मटेरियल मशीन जो बनाई थी अपने यू नो देशी स्टाइल से जुगाड़ उगाड़ से फर्स्ट लेवल का डेमो मशीन उसमें पाउडर डाला और चालू करने की कोशिश की तो पाउडर डिपॉजिट तो नहीं हुआ पूरा क्लाउड यू नो Okay. या मैं बीच में छोटा सा मैं पॉज लेना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं जो तुमने कहा तो हमेशा आई थिंक बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके पास सब इंफॉर्मेशन होना चाहिए तब वो जाके कुछ बनाएंगे तब कुछ करेंगे एंड आई थिंक कई बार हमको अनसर्टेनिटीज के बीच में काम शुरू कर देना पड़ता है व्हेन वी डोंट नो एवरीथिंग येट हमको काम शुरू कर देना पड़ता है और तो बहुत अच्छा एग्जांपल जो तुमने दिया कि तो पार्टिकल साइज मालूम नहीं था लेकिन आप तो उसके आधार पे भी कुछ काम करना चाहते थे एंड द क्लाउड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट आई एम जस्ट विजुलाइजिंग दैट और मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारी बात में डॉक्टर कलाम की याद आ रही है किस तरह से
हमारे वैज्ञानिक लोग वो साइकिलों पे और बैलगाड़ी पर भी मिसाइल लेके जाते थे, रॉकेट चला के लेके जाते थे. तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कितनी हमारे पास फैसिलिटीज है, इट इज मोर अबाउट दिल में जज्बा कितना है लड़के और कुछ नया करने की चाहत है. सो यस तुम अब बात कर रहे थे मुझे जब मैंने कुछ यहाँ पर. फिर क्या हुआ 2003 एंड 4 में व्हेन वी बिल्ट यू नो सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा. हाँ. एक दिन जाके मैंने अपने बॉस को बोला कि सर ये जो मशीन बनी है ना अब इसको प्रोफेशनली बनाना पड़ेगा. यू नो इट्स जस्ट हमने जुगाड़ के बना लिया, अपन पूरा डिजाइन करते हैं. एंड यू नो व्हाट वाज द गुड थिंग अबाउट एट दैट विद माय बॉस, ही यूज्ड टू थ्रो चैलेंजेस. उसने मुझे बोला, हम लोग वी आर सिटिंग ना अक्रॉस द टेबल एंड ही जस्ट आस्क्ड मी कि यार ये बताओ तुम्हारे पास जो भी फैसिलिटी है ना उसे तुम क्या बना पाओगे. तो मैंने बोला सर 25 मिलीमीटर डायमीटर का और 25 मिलीमीटर हाइट का एक छोटा सा ट्यूब बना देता हूँ मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से मेटल का. इतने बना दोगे? मैंने कहा पहले एक काम करना, बना देना और इंडेंट लेके आ जाना, मैं तुम्हारा साइन कर दूंगा. दैट्स सॉर्ट ऑफ चैलेंज यू हैव टू. तो अगेन आपको बॉस मेरे ख्याल से बहुत अच्छे बॉस थे, मतलब हु वाज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, हु वाज चैलेंजिंग यू. पर यहाँ बीच में मैं छोटा सा फिर तुमको यहाँ रुकूंगा, क्योंकि एडिटिव टेक्नोलॉजी की जो तुम बात कर रहे हो शायद सबको पता ना हो कि हाँ वो बात क्या हो रही है. तो थोड़ा सा एडिटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताओगे सो दैट वी ऑल नो हम क्या बात. एक्चुअली यू नो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ये बोलूंगा कि हम जब टुडे इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें 9 बेसिक्स टेक्नोलॉजी हैं. उनमें से एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. यू नो जस्ट फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल से कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज व्हिच इज फ्यूलिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. एंड जब मैं बोलता हूँ कि एडिटिव से क्या है, एडिटिव में क्या होता है कि जैसे हम कन्वेंशनली कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं, उसको काटा पीटी करके जिस शेप पे दाना है या उसको वेल्डिंग करके बनाते हैं. सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि आपको क्या करना है कि आपके पास एक 3D मॉडल हो और उस 3D मॉडल को सपोज यू वांट टू मेक ए हॉलो सिलेंडर, यू नो फॉर एग्जांपल, तो हॉलो सिलेंडर होगा मॉडल फॉर्म में. अब आप क्या करेंगे, उसको स्लाइस करेंगे अलोंग द जेड एक्सिस. तो जब उसको स्लाइसिंग करेंगे देन योर सिलेंडर बिकम्स सो मेनी सर्कल्स कैप्ड वन ओवर अनदर. और अब आप क्या करेंगे, बॉटम अप अप्रोच में पहला छोटा सर्कल बनाएंगे नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरा सर्कल बनाएंगे, एंड लाइक दैट यू विल कीप ऑन बिल्डिंग द सर्कल्स एंड यू विल शेप द कंपोनेंट. एंड दिस प्रोसेस इज डन फॉर ऑल द कंपोनेंट व्हाटएवर यू वांट. ओके. एंड ब्यूटी ऑफ दिस इज कि जब आप उसको 3D शेप को 2D में कन्वर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बज वर्ड है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर फ्री. कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर फ्री. ओके. क्या होता है कि जब वो 3D से 2D में आता है वो इतना सिंपल शेप हो जाता है एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू आर गिवन मी सम वेरी गुड मेटाफर फॉर माय क्रिएटिव ट्रेनिंग्स आल्सो. तो अगर सरल भाषा में बोले तो ये 3D टेक्नोलॉजी भी इसी का पार्ट है. बिल्कुल बिल्कुल. 3D प्रिंटिंग जो है ना सर, ये 3D प्रिंटिंग जो है, या 3D प्रिंटिंग जो है लेमेंस वर्ड है. हां, और बहुत सारे नाम इसके रखे गए. इफ यू टॉक ऑफ यू नो डिफरेंट लैब्स हैव गिवन डिफरेंट नेम. And then ASTM came in 2014 and they came 52900 is the number. So they came in boss, iska naam additive hoga. Now that is the word additive manufacturing. And uske ye sab synonym main bolunga. Okay. 3D printing. Aur main samajh gaya. Yes. I think matlab baki jab hum banane jaate hain koi cheez to hum usme subtract karte hain, cheeze nikalte hain aur uska shape dete hain. Michelangelo ka bahut famous ek vakya hai. वो कहता है कि मूर्ति तो छुपी हुई है इस पत्थर में, मैं जो बाकी का पार्ट है उसको काट के फेंक देता हूँ. आई थिंक देयर द सबट्रैक्शन इज द मेथड बट हियर एडिशन इज अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव. एंड आई विल ऐड वन लाइन मोर हियर, दिस इज द मोर नेचुरल वे ऑफ ग्रोथ. अब आप अपन देखें बच्चा बड़ा के इन्फेंट से एडल्ट कैसे बनता है. एडिटिव, यू नो वी आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग टू बी एडल्ट, राइट. सीड प्लांट कैसे बन रहा है, तो यू नो दिस इज अ मोर नेचुरल वे ऑफ डूइंग इट एंड वी वर नॉट एबल टू डू इन द पास्ट बिकॉज़ वी डिडंट हैव टेक्नोलॉजी. टुडे वी हैव देयर व्हेन वी आर डूइंग इट. या ग्रेट ग्रेट. एंड आई थिंक ये जो बात तुम कह रहे हो, और मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि एडिटिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे दोस्त क्राइस्ट एक बहुत जाना माना नाम है. मतलब मैं जब कह रहा हूँ, और वही बात है कि
आई थिंक यू वर्क मोर ऑन मेटल एडिटिव. यस, क्योंकि कई मटेरियल्स के साथ एडिटिव टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है. एंड बट क्राइस्ट इज अ वेरी वेरी वेल नोन नेम. और मैं इस फील्ड के 3D टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग के कुछ भारतीय लोगों के साथ काम करता हूँ हु लुक अप टू क्राइस्ट. सो आई हैव फर्स्ट हैंड एंडोर्समेंट और मुझे बहुत खुशी है क्राइस्ट की तुम हमारे साथ हो. और तो दोस्तों आपको अगर मैं पर्सपेक्टिव रखूं, कभी कभी क्या होता है कि हम वो जो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो ठीक है अपना दोस्त है कुछ कर रहा है कुछ मौके मिल गए ऐसा सोचते. मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आप एडिटिव टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो शायद बड़े बड़े IIT के प्रोफेसर भी आपको कहेंगे पॉल के पास, डॉक्टर पॉल के पास. तो हियर इज डॉक्टर पॉल विद अस. तो जो भी लोग इसके बारे में सीखना चाहते हैं, 3D प्रिंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, एडिटिव टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं, वो क्राइस्ट के साथ जरूर संपर्क कीजिए. एंड आई एम टेलिंग यू द वे आई नो क्राइस्ट, वो आपकी हेल्प करेंगे. स्पेशली येशु के दोस्तों की हेल्प वो हमेशा करते आए. क्राइस्ट, वुड यू लाइक टू शेयर योर कॉन्टेक्ट्स हियर सो हमारे दोस्त आपके साथ जुड़ सके. I will just share my email ID and these are my personal email ID and my personal phone number. क्या बात. और जैसा कि मैं दोस्तों से कहूँगा कि बहुत सीनियर बंदे हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो आप फोन पे हमेशा एक बार मैसेज डाल दीजिए और बात आपकी जरूर हो जाएगी. मैं एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पर सर कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये मेरा पर्सनल नंबर है. तो आई एम अवेलेबल आफ्टर 7 o'clock. यस, सो बिकॉज़ इन ऑफिस वी आर नॉट अलाउड. बहुत हंसी से बताया जाता है कि स्मार्ट पीपल आर नॉट अलाउड टू टेक स्मार्टफोन इन द ऑफिस. वी आर स्मार्ट पीपल बट वी डोंट यूज स्मार्टफोन्स. उनसे बात करनी होती है तो आप या तो अगर आप गलती से पहले बात कर लेंगे तो भाभी जी से बात हो जाएगी, या फिर शाम को बात कीजिए तो आप दिनेश से बात कर सकते हैं. तो अब आगे चलते हैं. तो मुझे बताओ कि तो ये एडिटिव टेक्नोलॉजी जो है और मैंने इसके कई प्रयोग देखे हैं, मेरे ख्याल से मेडिकल फील्ड में इसके बहुत प्रयोग हो रहे हैं. मैं जैसा मैंने बुलाया मुंबई में इमेजिनेरियम में मैंने जाकर जो कि 3D प्रिंटिंग की एक बड़ी संस्था है, वहां जाकर मैंने उनका काम देखा है. तो हमें कुछ बताइए एडिटिव टेक्नोलॉजी से क्या क्या चीजें पॉसिबल है जो आज नहीं हो पाती है, या क्या चीजें सरल हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू मेक ए स्मार्ट कम्पोनेंट इसमें जिसमें सेंसर एम्बेडेड हो उसके अंदर, यू नो यदि आप बनाना चाहते हैं कि एक जॉब विद कन्फर्मल कूलिंग, यू नो बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि आप जैसे कि एक स्मॉल डाई है और डाई में तो आप कन्वेंशनली कुछ कूलिंग पैड डालना चाहेंगे तो यू हैव टू ब्रिंग स्ट्रेट यू नो होल्स ऑन दी. बट एडिटिव में क्या है कि आप डिजाइन करने के बाद उसको सीधे ले जाओ जिस तरीके से आप फ्लो चैनल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं. एंड दैट मेक्स द थिंग वेरी डिफरेंट. एंड व्हाट द ब्यूटी इज ना सर, व्हाट कैन यू डू इज कि आपने जो एनसिस या कॉन्सोल या किसी FEM सॉफ्टवेयर नास्ट्रॉन में एडेंस में किसी भी FEM सॉफ्टवेयर में जो आपने एनालिसिस किया है उसमें आपने रिजल्ट निकाला हुआ है कि भाई ये दिस इज द बेस्ट एंड यू कैन डायरेक्टली ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर मॉडल फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट. You need not to make drawing, you need not to make. So that is the strength of the technology. तो मैं बोलूंगा स्मार्ट कंपोनेंट है. इवन मैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो आज इम्प्लांट की बात हो रही है, हम सबके लिम्स के साइज अलग अलग है, हैंड्स लेग्स बॉडी पार्ट्स. नाउ इफ यू वांट टू मेक सम मेटल प्रोस्थेटिक्स तो आज डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड अवेलेबल है ए साइज बी साइज सी साइज एंड देन दे कट इट इन द ऑपरेशन थिएटर एंड फिट इन द बॉडी. बट माय इशू इज कि can we have you know CT scan of a person, take the information of the bone, convert it into 3D model and build a patient specific prosthetics, and that is to within 48 hours so that you know so that is the technology we are talking and it is revolutionizing the whole concept. Okay, so it's like it's customized for you the individual.
Yes. So it will fit into the body naturally, as if it's a natural part of your body. और तो मुझे ये बताओ, क्राइस्ट विल दिस टेक्नोलॉजी विल टेक द वर्ल्ड टुवर्ड्स पर्सनलाइज्ड प्रोडक्शन आल्सो? सर पूरा वर्ल्ड ही इस तरफ जा रहा है. सी इफ यू सी द एवोल्यूशन टोटली, इनिशियली वी हैड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, यू नो वी वर टॉकिंग ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. फिर उसके बाद फिटिंग, तभी फिटर्स वर फेमस राइट, इवन द ऑलमोस्ट 150 इयर्स बैक. And then time came of the mass production, you know, when we have assembly lines and people are talking of making mass production, making it economic. Now, people are merging these two technologies. You know, we are talking of customized product plus mass production. Can we have mass customization? So, this is a mass customization ka concept hai, and this is going to be the future. And I will tell you, you have mentioned your friends, we have talked about it many times. Now, the issue is that when we talk about wedding ring, ki baat karte hai, can we have a wedding ring, you know, take out from some part of your body, you know, grown outside and then make a bone and then dono ek dusre ki ring pehna le? The world is talking of that sort of technology, you know, not like metals or and jo projections hai usme bahut clearly likha gaya hai ki 2032 tak we should be able to make full body parts. Kya baat, tissue engineering mein lot of things going to come in this area. Kya baat. So I think almost everything can be personalized. तो तुमने बिल्कुल सही बोला. मतलब शायद वो एक जमाना था जब क्राफ्ट्समैन आपके नाप का एक जूता बनाते थे, वो बड़ी बात होती थी. फिर धीरे धीरे हम सब स्टैंडर्ड साइज में चले गए, UK 7, UK 8, UK 9 टाइप्स में चले गए. बट अब वापस से शायद एडिटिव टेक्नोलॉजी के कारण, 3D प्रिंटिंग के कारण एक बार फिर से पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स की तरफ दुनिया जा सकती है. Yes. पर मेरे ख्याल से अभी तो ये इतना आसान नहीं होगा. अभी तो चीजें इतनी सस्ती नहीं हुई हैं कि आम आदमी उसको यूज कर सके. Yes, sir. I will say that no, it will take some time for things to happen. But plastic printers, they have come, you know, really good. Now you have. Yeah, I have seen 3D printers. Yes. Thanks to Mr. Kapoor Rao. Yes. And I am amazed by it. I am amazed by it. Things that can happen with it. और मुझे लगता है कि बहुत जो intricate designs हैं वो भी 3D designing से हो सकती है, 3D printing से हो सकती है, additive से हो सकती है, जो शायद हम subtract कर ही नहीं सकते. मतलब true, very true. So, तो मुझे अब ये बताइए आपकी, और चूंकि आपने बोला कि जो आज की तारीख में जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे पहले एडिटिव टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट लाइक द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, तो उसमें अगर लोग काम करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए सर, इसमें इन माय ऑल माय टॉक्स व्हेन आई टॉक आई टेक एफडीपी, यू नो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वी ऑलवेज से कि देयर आर 9 डोमेन्स टू वर्क ऑन. एक सबसे बड़ा डोमेन है जो आपने प्रश्न पूछा कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है. तो वी नीड टू वर्क ऑन मशीन एंड द सॉफ्टवेयर सो दैट कॉस्ट कम्स डाउन. यू नो अभी क्या है, पेटेंट्स हैं, लोगों ने अपनी वहां पे प्रीमियम चार्जेस डाल रखे हैं. कैन वी थिंक ऑफ यू नो सम राउंड अबाउट, कम विद द आइडियाज, ब्रिंग द इनोवेशन, वर्क ऑन दिस. दिस इज रियली फंटास्टिक आइडिया टू वर्क ऑन. सेकेंड जो आइडिया है, जैसे आप बात करें कि जो प्रोसेस डेवलपमेंट है, मतलब आपको मशीन मिल गई या फॉरन से आपने इम्पोर्ट कर ली, जो भी मशीन अवेलेबल ना हो, इंडिजिनस हो फॉर, जो अभी मटीरियल आ रहा है वो बाहर से आ रहा है. Can we do the development of the material here, you know, and make the parts here? That is another area to work on. And तीसरा ये है कि जो मेरे बहुत सारे friends हैं जो कि non-mechanical या non-materials वाले काम हैं, can we develop, you know, some closed loop control, you know, to see the how the things are being done? And we are working on this. Can we make a system smart enough to take the decision during the process so the thing comes out very well? So that is the third area where people can work on. And चौथा पार्ट जो मैं बोलूंगा, क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल. नाउ सिंस टेक्नोलॉजी इज न्यू, वी डू नॉट हैव स्टैंडर्ड्स, वी डू नॉट हैव सर्टिफिकेशन एजेंसीज, सो पीपल कैन ऑलवेज थिंक ऑफ हाउ टू गो एट, हाउ टू डिसाइड, हाउ टू मेक द थिंग्स हैपनिंग. एंड मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि जब अभी जो भी रूल ऑफ द गेम है मैन्युफैक्चरिंग के, ऑल आर मेड फॉर सब्स्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी. कैन वी हैव यू नो डिजाइन रूल्स फॉर एडिटिव? सो इट्स लाइक अ पैराडाइम शिफ्ट. यस, पैराडाइम शिफ्ट. Yes. Not just shift, it is reversing the whole paradigm. Yes.
So that is. And so I think it's great that you are already here when you are like one of the pioneers in this field now. And तो पर मेरा सवाल ये भी था क्राइस्ट की जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं जो तुमने बात बोली ये तो अभी फिर भी जो तुम्हारे जैसे लोग हैं जो उन चीजों पर काम करेंगे पर जो सोच रहे हैं कि चलो इस नई दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए फ्यूचरिस्टिक कुछ काम करना वो ये कैसे सीख सकते हैं उनके लिए क्या तुम्हारा उनको कहाँ जाना चाहिए कैसे सीखना सर इंडिया में बहुत सारी जगह काम होना शुरू हो गया है एंड देखिए मैं आपको बताऊं कि आज से 5 साल पहले मैंने एक सर्वे देखा था और मुझे बहुत बुरा लगा था कि जब मैंने देखा कि जितने एडिटिव के पेपर छपते हैं इंडिया से ओनली 0.2% एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में पेपर छपते हैं 0.2% एंड आई एम थिंकिंग यू नो वी टॉक ऑफ 1/7 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन प्रिंटिंग पब्लिशिंग ओनली 0.2% सो इट वाज वेरी बैड एंड तो मैंने मैंने ये सोचा कि हम क्या कर सकते हैं नो आई एम जस्ट द फर्स्ट थिंग आई डिड इज I started collaborating with the people. Okay. I allowed the people, you know, the people to work with us. Okay. Let them come, you know, and find out who are the serious people. You know, that is also issue, you know, non-serious and serious people. Give, provide opportunity to the serious people, work with them, make them learn, provide the opportunity. That I started. And not only that, now many of the institutes started doing it. And I'm saying ki every year I take 5 to 7 M.Tech students. For their final year project work, and it is the thing which is making the difference. You know, you have a new brain coming in. You know, spending more and more time in the lab, understanding and discussing with you, taking the advantage of our experience and making things one of that. So, yes, sab cheeje is helping. You know, providing the opportunity, they can come with us. We are now running PhD programs. Those who want to pursue PhD in additive. I'll be happy to help the people to you know okay. join okay. the program and make things happening. Or if you know, our CAT में सीटें कम होती हैं and the merit is also a bit high. But again, you know, if you register in some other university and I'll be happy to support the program, you know, yeah. in one way or other. मैं आपसे बताऊं कि बहुत बार मैं हमेशा बोलता हूं कि students को कि यार ये material लेके आना तब तुम्हारा experiment होगा. And ज्यादातर समय जो material लेके आते हैं ना वो खराब होता है. बट हम उन्हें भगाते नहीं है यदि हमारे पास होता है तो रिप्लेस करके उनका काम कर रहे सो आई एम टेलिंग यू नो दैट इज द वे पीपल आर कैन वर्क ऑन मुझे एक चीज और बताओ यहां पर कि क्या हम गेसू के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं क्षेत्र सर मैं मेरे पास ना एक और अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज नाउ आई एम आल्सो हेडिंग इंक्यूबेशन सेंटर प्रोबब्ली यू नो दैट तो वी हैव वेरी हाई प्रोग्राम टू टेक अप द टेक्नोलॉजी टू नेक्स्ट लेवल एंड इंक्यूबेशन सेंटर में मैं ये बोलूंगा कि पहले क्या होता है कि डीएई टेक्नोलॉजीज जो भी हैं नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव मींस वी आर गिविंग दिस टेक्नोलॉजी एंड 25% ऑफ द रियल कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ओके 75% डिस्काउंट द गवर्नमेंट इज गिविंग डीएई तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू नो तो अभी जैसे कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं नाउ दे सी दे कैन गो दे कांटेक्ट मी एंड देन आई कैन हेल्प देम इन आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी एंड दे फाइंड इट वी कैन स्टार्ट हैंड होल्डिंग राइट अवे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात में एंड इफ दे थिंक दैट कि दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट इनफ एंड नाउ वी शुड डू सम वैल्यू एडिशन बिकॉज़ दिस मे नॉट गो टू द मार्केट दे कैन कम एंड वर्क विद अस ऑन द इंक्यूबेशन पार्ट आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स Yes, entrepreneurs and students. See, अभी मैं just अभी last week बात कर रहा था कि how to make the incubation center self-sustainable. So what the model I just thought of, ki, and I discussed with the senior leadership here, and they agreed on, ki, why don't we ask some students to come and learn the machine, go to the market, search the job, come and operate, and take out some money out of it. And give some operation cost to us, जो हमारा OPEX कम निकल जाए, और take that. And now that sort of high-end technology, if the students started using it, the things will be different. Yeah. And that will make them feel great, you know. That is the thing. I think it's a great opportunity for all GESU students also, whether they are doing graduation or post-graduation. And Dr. Paul would be very happy. And I know many instances where Christ has helped. Gesu people out of the way. Let me put it this way. Sir, I'll tell you now, it is reciprocation. I missed one very small thing.
See, in 93, and we were designing, when I was in GI, we were designing one plant for MRPL, you know, Mangalore Refineries and Petrochemical Limited. तो क्या हुआ, बंदा तो मैं नया था, मुझे डिपार्टमेंट डिजाइनर वालों ने बोला कि जाओ ड्राइंग अप्रूव करा के ले आओ। आई वेंट मुंबई, मुंबई में टोयो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में डर डर के अंदर गया, देखा। एंड डरने का देखा कि एक बहुत सीनियर यू नो डिजाइनर था, इज द सीनियर मैनेजर एट द टाइम, एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट बंदा था, यू नो, ये क्या नहीं लाए, वो क्यों नहीं लाए, ऐसे। बट पता नहीं, ही सॉ समथिंग एंड बोला कि लंच टाइम में कम विथ मी फॉर द लंच, नो, एज ए कट। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर, एंड मैंने बोला सर आप कहाँ से, थोड़ी बात, मान चला वो घिसुआई था। अच्छा, ओके, एंड जब वो घिसुआई था तो देन होल गेम चेंज, यू नो, दैट दैट दैट्स द थिंग हैपेंड। एंड उन्होंने बोला, फिर जब हम वापस आए ना तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये जो गलती तुमने करी ना, अभी तक मैं गलतियां बता रहा था, हाँ, अब मैं बीइंग द योर सीनियर, अब मैं बताऊंगा उसको ठीक भी कैसे करना है। ठीक कैसे आई एम करना, टेलिंग क्या यू बात, दैट इज द यस आई थिंक दैट इज गेसू, दैट इज गेसू दैट इज आई थिंक दैट इज इन द डीएनए ऑफ गेसू। और मैं बताऊं, क्राइस्ट कहीं ना कहीं ये थॉट भी जो संवाद का आया वो आया ऐसे कि आईआईटी वालों का, आईआईएम वालों के, उनके डेलो बनाई होता है, ग्रुप होता है, लोग मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और तो कहीं ना कहीं ये थॉट था कि ये गेसू में जो झाम होते हैं, गेसू झाम बहुत प्रसिद्ध है, उससे थोड़ा आगे चले, मतलब कहीं एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करें उस जगह जो इतने सालों से हम लोग मिल रहे हैं, उसको क्यों ना उस स्तर पर ले जाएं जहाँ हम प्रोफेशनली एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बात कर यस सकते हैं। तो आई एम सो हैप्पी दैट तुम्हारे जैसे लोग हैं और अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं और जिनके दिल में गेसु आज भी धड़कता है। सर, आई एम रेसिप्रोकेटिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय सीनियर्स। आज मैं देखता हूँ ना, तो व्हेन आई सी एंड सम जूनियर और सम यू नो सम ऑफ गेस्ट वाइट कम टू मी, आई पुट माय सेल्फ इन यू नो कुलकर्णी साहब फ्रॉम द टोयो इंजीनियरिंग, एंड आई सी दैट इज द पॉल स्टैंडिंग, यू नो, आई फील दैट, यू नो, उस समय आई पुट माय सेल्फ इन दैट शूज एंड सी उस समय मेरी क्या हालत। बिल्कुल, अरे मैं अभी 2 दिन पहले एक एचआर कॉन्फ्रेंस में, एचआर मास्टरमाइंड उसमें था, और उसमें 10 एचआर के बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे एंड आई वाज फैसिलिटेटिंग इट। और जब उन सबकी कहानी सुनी तो आखिरी में निष्कर्ष ये निकला कि एक्चुअली में जो अच्छे बॉसेस होते हैं, अच्छे कोलिग्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी खास बातों को देख लेते हैं और वो हमको बड़ा काम करने के लिए उत्साहित करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, आप जो कर रहे हैं वो ऐसा ही है। और बहुत सारे ऐसे किस्से, अभी पिछले 2 सालों में तो इतने सारे किस्से आए जिसमें गेस वाइट्स ने एक दूसरे की मदद की है, जैसा तुमने बोला वो फाइनेंशियल मदद हो सकती है, इंटेलेक्चुअल मदद हो सकती है, इंटरप्रेन्योरियल एडवाइस हो सकती है, वो सब चल रहा है। मुझे लगता है किसी दिन किसी को उसके ऊपर एक किताब लिखना पड़ेगी यस एंड ओनली देन पीपल विल नो कि ये डीएनए क्या है। ये क्योंकि मैं बताऊं, कई बार मैं जब बात करता हूँ जैसे आप जैसे लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो उनके जो स्पाउसेस हैं वो कहती है कि, या कहते हैं, दोनों कहते हैं कि ये क्या है तुम्हारे कॉलेज में ऐसा, जिस बंदे से तुम कभी जिंदगी में मिले नहीं उसकी तुम हेल्प करने के लिए खड़े हो, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए खड़ा है, एंड हाउ दिस हैपेंड। और मेरा कहना है कि कई बार हम उसको हल्के में ले लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है, सब जगह ऐसा होता होगा। मैं आपको कह रहा हूँ सब जगह ऐसा नहीं होता है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ गेसू, और किसी दिन गेसू का जो कल्चर है उस पर काम होना चाहिए प्रोफेशनली। यस तो इनक्यूबेशन के बारे में आपने बात की, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई हमारे एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन साथ में तुम एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करते हो, बिकॉज आई थिंक यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन इन सम वे। यस सर। सी व्हाट इज हैपनिंग, सिंस 2005 जितने भी डीई के यूनिट्स हैं उनमें यूनिवर्सिटी है, वी हैव वन यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड एचबीएनआई, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, एंड इट रैंक्स एनआरए रैंकिंग 13 है इसकी यूनिवर्सिटी लेवल, एंड इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज डेडिकेटेड ओनली फॉर पीजी
and PhD programs, not mm-hmm. for UG programs. Only one institute, NYSER does, otherwise all do the PG and PhD mm-hmm. in HBNI. So I'm working on it, and what is happening, this university is at 11 locations in the country, mm-hmm. and RRCAT is one of that. So we offer program in physics, life science and mechanical engineering. तो जब यूनिवर्सिटी का एक पार्ट यहाँ पर है तो देयर वुड बी डीन स्टूडेंट अफेयर, डीन एकेडमिक एंड डीन फैकल्टी अफेयर्स, ऑल विल बी देयर, राइट? तो 2014 दे वर लुकिंग फॉर समबडी यू नो हु कैन बी ए फेस फॉर स्टूडेंट्स. तो मुझे पकड़ के उन्हें थमा दो. आई वाज सेइंग सर मुझे तो रिसर्च करनी है, आई डोंट हैव टाइम. Then what my director said is what really wonderful word, and I could not say no to him. He said, you know, यदि कोई काम अच्छे से करना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? Identify the busiest person and give to him. And if you can convince him, job हो जाएगा. लेकिन कोई free है ना, तो इसलिए free है कि he cannot do the things, right? So, you know, अब आप क्या बोलोगे? And then I started, and I'm dean student affair from last 6 years. And lot of things. मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि during COVID, when ज़्यादातर institutes ने अपने hostels खाली किए जब lockdown था, when I went and talked to our leadership simply said कि यार ये बच्चे जो हैं ये कुछ West Bengal से हैं, कुछ deep Bihar से हैं, कुछ UP से हैं, how can we say कि खाली करके जाओ? Is it not our family? Then they told me, जो भी होगा ना, जैसा भी होगा, सूखा खाएंगे, लेकिन इन सबको यहाँ रखना है, किसी को भेजना नहीं है. जो अपने हिसाब से बोले मुझे जाना है, let him go. We are not stopping anybody. If people are not going, fine. And I'll tell you, sir, out of 72, 42 people stayed during lockdown with us. And then arranging the things, making things happen, understanding them. You know, यदि कोई हल्का सा भी किसी को fever हो गया है, तो you know, oximeter लेके search करना, ढूंढना. So that was a you know. Thing people did, you know, I was remotely monitoring on this, but I see, you know, the student relationship, jo main Yesu ke time se cherish kar raha hu, aaj bhi wo main usko jeeta hu, matlab, and I see that, no, yeah. Moving around and talking to them and that energy, and really it recharges, you know, it recharges. So I'm doing that. I'm taking many courses on additive manufacturing, and 2020 mein, when we had a lockdown. तो मैंने सोचा क्या करें. बहुत दिनों से मैग्राविल बोल आफ्टर मी टू राइट सम बुक ऑन दैट, यू नो, एडिटिव, कैन यू राइट. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, देन आई निगोशिएट विद देम कि भाई मैग्राविल साहब से, कि मैग्राविल वालों से पूछा पब्लिशिंग हाउस से कि ये बुक आप कितने में करोगे, हमें रॉयल्टी नहीं चाहिए, आप कितने में करोगे ये बताओ. तो फाइनली द कॉस्ट केम आउट टू बी 700 rupees, विच इज ए गुड, यू नो, मैं से देन पूरे लॉकडाउन टाइम में 2.5 months में बैठ के खींच मारा यही ऑफिस में, इसी ऑफिस में जहां मैं आज बैठा हूँ, 2.5 महीने 11-12 घंटे पूरी बुक लिखी. एंड टुडे नाउ इट इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart, एंड दिस इज ओनली टेक्स्ट बुक रिटन बाय एनी इंडियन ऑथर इन इंडियन स्टाइल इन द कंट्री. क्या हुआ? सो आई एम जस्ट, इट जस्ट हैपेंड, यू नो, दिस आइडिया केम एंड देयर वाज अ टाइम एंड देयर वाज अपॉर्चुनिटी एंड डिड इट. मेरी इस बारे में तुमसे उस वक्त बात भी हुई थी जब उस किताब के बारे में चर्चा हुई थी, और जहाँ तक मुझे याद है, और जो तुम अभी इन ऑल योर ह्यूमिलिटी यू आर नॉट टेलिंग दिस, दोस्तों, जो मुझे समझ में आता है कि क्राइस्ट मेड श्योर कि चूंकि ये नए टेक्नोलॉजी की किताब है, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी भी बिकेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये किताब सस्ती से सस्ती पहुंचना चाहिए. एंड क्राइस्ट, मैं आपको इसके लिए मुबारक देता हूं, क्योंकि ये खाली एक किताब नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों तक ये नई टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, और हिंदुस्तान को आज ये जरूरत है कि अधिक से अधिक लोग इस तरह की चीजों के बारे में जाने. एंड लाइक यू सेड कि वो रॉयल्टी कमाना कोई तुम्हारा मकसद नहीं. एंड फैंटास्टिक. मुझे अब एक चीज बताओ जो सब लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, कि ये जो वर्ल्ड के जो गिने चुने 2% साइंटिस्ट में तुम्हारा नाम शामिल किया गया है, वो क्यों किया गया है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या सीरीज? एक्चुअली सर, हर साल फ्रॉम लास्ट 3 years स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 22 फील्ड्स में
एंड 170 थ्रू 170 सब डोमेन में जितने भी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैं उन सब का डेटा ले लें, वट एवर द थिंग्स अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. एंड वट आर दे डूइंग इज दे आर यू नो टेकिंग एनीबडी हु हैज पब्लिश्ड 5 और मोर पब्लिकेशंस, वो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक पेपर से नहीं, 5 और से ज्यादा. वो लेने के बाद वो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है दे सी इन 173 सब डोमेन की आपका इन 173 सब डोमेन में क्या अफेक्ट आपका जो भी काम किया एंड हाउ इट डज इट रिफ्लेक्ट इन द 22 डोमेन्स यू नो व्हाट दे हैव डिफाइंड एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ दिस एंड व्हेन दिस इज गॉट इंपैक्ट ऑन दैट एंड दे देन दे मेक दे सेलेक्ट द टॉप 3 फील्ड ऑफ दिस एंड वो जो टॉप 3 से जो सबमिशन करते हैं एंड दे फाइंड आउट कि भाई आपका रैंकिंग किधर आ रहा है. तो इफ आई टॉक ऑफ माई सेल्फ I got a very big contribution, about 64% from for the strategic and innovative technologies. That is the 63% came from there, and 17% came from materials, and around 20% came from the lasers technology. What I'm saying is, जो contribution आया है index का, so I mean, it's मेरे को ही मालूम नहीं था, और मेरे को तो 20 में मेरे एक student ने बोला कि सर आपका नाम 20 में आ गया. एंड सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, 20 में आया तो मैंने एक मेरे फ्रेंड को बताया मेरा नाम स्टैनफोर्ड की लिस्ट में है, तो बोला यार मेरा नाम भी होना चाहिए, ही इज माय गर्लफ्रेंड. तो वो ढूंढा रहा तो उसने बोला 20 में तो नहीं है, एंड लेट मी सर्च 19. तो उसने मुझे फोन करके बोला तेरा नाम तो 19 में था. ओके, आई वाज नॉट अवेयर कि माय नेम वाज इन 19 एंड देन 20. So that is the thing we did. क्या बात, क्या बात है. तो you are very high on strategic thinking. Strategic and innovative technology. I mean, this is the recognition they gave, sir. हम लोग तो and इसमें मैं बोलूँगा कि हमारा साथ सबसे बड़ा बात ये रहा कि 4 years back when I started collaborating with the people, people I opened my lab to the students coming and working in different area. We supported them and that brought the big impact. See, मैं एक चना था बाहर नहीं फोड़ सकता. You need people, you need a team to work on make the things happen. No, I think that's great. And जो आप देखो जितने यहाँ पे अभी उड़े हैं थम्स अप जो तुमने देखे हैं और लोग गदगद हैं, और मैं कह रहा हूँ ये देखो क्या होता है कि आप एक छोटी सी कम्युनिटी को तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पीआर के थ्रू लोग कुछ कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं, बड़े बड़े अवार्ड ऐसे उनके हाथ में थमा दिए जाते हैं. पर जब आपकी फील्ड के जो बेस्ट लोग हैं, और मुझे अच्छा ये लगा कि ये इट इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट कि आपने कितने जर्नल में आपका पेपर छपा है, इट्स बेस्ड ऑन कितना आपने इन्फ्लुएंस किया, आपके काम के कारण कितने डोमेन्स में कुछ फर्क पड़ रहा है या लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. मैं मतलब खड़ा होऊंगा तो इस प्रेम से बाहर चला जाऊंगा, इससे खड़ा नहीं हो रहा हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू just no sir I am feeling proud. और देखो मैं भी कहीं ना कहीं मैं आइडिया जनरेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन पर काम करता हूँ, और मुझे खुशी है कि आज मेरा एक दोस्त है जो पूरी दुनिया में इनोवेशन के लिए जाना जाता है. इस कुछ एक दो सवाल भी कुछ आए हैं जो मुझे लगता है कि लोग सीधा तुमसे पूछना चाहते हैं. yes, मैं भी वक्त नहीं देख रहा हूँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ मैं वक्त नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी चर्चा ये बार बार नहीं होती, तो क्राइस्ट थोड़ा टाइम और लेंगे तुम्हारे से. बिल्कुल सर, बिल्कुल. क्योंकि ये सवाल है, मुझे लग रहा है दे आर पॉइंटेड. तो एक सवाल तो इसमें विजय चोयल जी का है कि कैन यू टॉक वेयर आरआरकैड स्टैंड टू यूज मशीन लर्निंग बेस्ड एटोमिस्टिक मॉडलिंग इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लाइक सांडा लैब आर ऑल्सो डेवलपिंग द टेक्निक्स. It's a very technical question. Yes, Vijay, this is true. And I'll say here, we are not very much behind. No, I will not say that we are at par, because we are not very much behind. And when I talk of the technology, our indigenous technologies are at par with these things. And beauty is, you know, when people are coming, and who is doing this? I'm a bit old man now.
The student who are coming of the 28 or 26, 27 years guy, they are coming morning 8:30 into the office, into the lab, and they go back 7:30. And it is 6 days in a week. So that is making the difference. And the energy then the support can I am doing, and I'm saying we are not much behind. A lot of work is being done in this direction. And if somebody, you know, if you happen to come to Indore, please do call me. I will make a visit, make an arrangement for the visit to this lab, and you will appreciate the things that we are doing. Great. It's a big opportunity. It's an open door. And I'm telling you, this is not open door for the world. Again, yes, it is for only for guests, right? It's only for guests, right? So yes. Please understand the gravity of his generosity here and use it well. एक सवाल है कि इज देयर एनी प्री रिक्विजिट नॉलेज ऑफ एनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी टू एंटर इन दिस इंक्यूबेशन सेंटर, अगर वहां कोई आना चाहता है तो कुछ जानना जरूरी है? या सी आई विल टेल यू, बीइंग द कन्वेनर ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर, व्हेनेवर देयर इज अ प्रपोजल टू वर्क ऑन, वी मेक सम जजमेंट अबाउट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड इफ समबडी स्पेंडिंग टू स्पेंड्स 2 इयर्स और सम मनी इनटू इट, विल इट गो टू द मार्केट और नॉट. और उसके लिए ना मैं ये बोलूंगा कि प्रीरिक्विजिट नहीं है, इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट. सी प्रीरिक्विजिट में तो आप है ना किसी कंसल्टेंट को हायर कर लोगे, कागज पे दिखा दोगे कि नो दिस गाय इज हेल्पिंग मी एंड डूइंग दैट. आई एम नॉट सेइंग यू नो वी आर नॉट गोइंग दैट वे. वी आर मोर इम्पोर्टेंट ऑन दैट कि वेदर द इंक्यूबेटी हैज क्लैरिटी ऑफ आइडिया, नंबर वन, इंटेंशन टू परफॉर्म, एंड थर्ड पार्ट वी वॉन्ट टू सी वेदर ही हैज गॉट persuasion and perseverance to achieve the thing that he's looking for. Yadi ye teen cheeze milengi to I will say yes, there are some specific requirement for some specific technology, but that can be managed. You know, if they talk of having a shop, or they want to have some floor, or they want to have some electronic lab, these things can be arranged. I mean, these are very small things, do it. But most important is, do they have a dedication? And I'm telling of 3 points, you know, clarity of ideas. Second part is intention to do good job, and third thing is, do they have a perseverance and persuasion to do the things? If these three things are clear, and we feel that this guy is good, definitely. Yeah. I'll tell you a very nice example of the incubation center, and we had a big problem. You know, recently I was working on some technology, in that there were three big companies were competing, and two were Eicher and Tata's. Okay. तो अब मुझे बताओ, जब टाटा एंड आइशर के बीच में कंपैरिजन करना है, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ सम टेक्नोलॉजी व्हिच इज गुड फॉर यू नो एचसीवीज एंड एमसीवीज, क्या कंपैरिजन करेंगे? हाउ विल यू वैल्यू एंड हाउ टू पुश वन पर्सन आउट? सो दीज आर वेरी चैलेंजिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम सेइंग इज मैटर्स एंड इट डिफाइंस, एंड एज फॉर तो ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम. एंड आई विल से इफ यू हैव एन ऑनेस्ट थिंग वी विल डू दैट. ग्रेट ग्रेट. एक सवाल और है, आई थिंक मोर क्यूरियोसिटी, कि ये जो साइंटिस्ट का जो रिकॉग्निशन का जो अवार्ड है, रिकॉग्निशन है, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है या ये लोग अपने आप शॉर्टलिस्ट करते हैं? नो नो, दे हैव अ डेटाबेस. आई एम टेलिंग यू, व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ओके, दे टेक इट अप एंड डू इट. इट्स नॉट, इट्स फ्री, यू नीड नॉट टू अप्लाई. एवरीबॉडी हु इज वर्किंग एंड हैव पब्लिश्ड मोर देन 5 जर्नल पेपर इज अ पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन. ग्रेट. तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आज मैं प्रेस के साथ यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी है मैं आपके साथ यहाँ पर, और मुझे बहुत खुशी है कि ये गेसु संवाद का आज ये 55वां सेशन है, और एक के बाद एक के बाद एक के, कई लोगों ने शुरू में पूछा था क्राइस्ट कि ठीक है 2, 4, 5, 6, 10 लोग तो अच्छे मिल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? मैं आपसे कह रहा हूँ, क्राइस्ट का नंबर आ जाया. Yes, sir. We have many, many, many. Yes. और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं. तो मैं आपसे कह रहा हूँ, गेसु संवाद के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इसको अटेंड करें, इसकी रिकॉर्डिंग देखें, इसके बारे में टिप्पणी करें. क्योंकि मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमको भी एनकरेजमेंट चाहिए क्राइस्ट जैसे लोगों के साथ बात करके सीखने को मिलता है, वो भी ठीक है, पर मैं क्राइस्ट के साथ सीधे सीधे भी बात कर सकता हूँ. हम इस कम्युनिटी के अंदर और इस पूरी कम्युनिटी को आपस में जोड़ने का काम करना चाहते हैं, तो आप एनकरेज करते रहे, आपकी उपस्थिति यहाँ पर बहुत मायने रखती है. मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ
कि किस तरह हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। सबसे बड़ी बात आज मुझे ज्यादा खुशी इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं जिसको बोलते ना कि अगर गायन में घराना होता है, घराना होता है, नृत्य में घराने होते हैं, ये बनारस घराने के हैं, ये खेरागढ़ घराने के हैं, ये आगरा घराने के हैं। मुझे आज खुशी है कि अगर घराना होता हमारा तो शायद हम एमएल पांडे घराने के हैं। Yes, sir. हम दोनों गुरु भाई होते उस मामले में भी, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ, अब जब मैं सोच रहा हूँ, मुझे आज भी याद है कि पांडे जी की क्लास में बैठने के बाद मैंने, हम जब मुंबई आए थे अपने टूर पर, इंडस्ट्रियल टूर पर, तो मैंने सड़क से डिजाइनिंग डिजाइन की कुछ किताबें खरीदी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बात बोल रहे थे मटेरियल्स के अलावा, वो कहीं ना कहीं नए तरीके से सोचने की बात बोल रहे थे और मेरा इंटरेस्ट आ रहा था। और मैंने डिजाइनिंग कैसे होती है उसके बारे में कुछ फॉरेन ऑथर्स की किताबें मुंबई की सड़क से मैंने खरीदी। और आज मैं जब देख रहा हूँ कि तुमने भी डिजाइनिंग के से ही अपना करियर शुरू किया और आज तुम मटेरियल्स में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो काम तुम कर रहे हो उसके अंदर भी मटेरियल्स इज लाइक देयर। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम थे वेसु में थे, इट वॉज ए ग्रेट प्लेस टू बी, बहुत हमने मजे भी किए, वो बसों पे चढ़े भी, रेगिंग की बात भी बहुत होती है, पर आई थिंक जो कहीं ना कहीं बात जो छूट के रह जाती है कि किस तरह से हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे थे, उन्होंने हमको गढ़ा है, उन्होंने हमको गढ़ा है। मैं कहूँगा कि हम सब की मस्तियों के बावजूद भी हम सब लोग अगर इतने सीरियस नहीं थे पढ़ने के लिए, तब भी वो ज़्यादा सीरियस थे और उनकी वो छाप आज भी हम सब पर दिखती है। तो इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड ये जो आज रिकॉर्डिंग है ये आपको मिलेगी इस संवाद पर। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इस रिकॉर्डिंग को पहुँचाइए, वो गेजू पे ना हो तो भी पहुँचाइए, क्योंकि क्राइस्ट जो बात कर रहे हैं ये संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। एक बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन था कि विदेशी जो लैब है उनके मुकाबले हम कैसा काम कर रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद क्राइस्ट बोलेंगे कि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, धीरे धीरे हम वहाँ पहुँचेंगे, और वेन ही सेड कि हम तो ऑलमोस्ट वहीं पर हैं। अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो गेसु के साथ हुआ, जब हमने शुरू किया था तो हमें लगता था हमें छोटे से कॉलेज के हिस्से, पर आज हम जब क्राइस्ट के साथ बात करते हैं, जोशी जी से बात करते हैं, और इसके अलावा हमारे बाकी सब मतलब जो दोस्त हैं जो हमारे इस मंच पर आए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, दिल गर्व से भर आता है। हमको लगता है कि हम छोटे से इंस्टीट्यूट के हिस्सा नहीं, हम वी आर पार्ट ऑफ सम इंस्टीट्यूशन। और मुझे लगता है कि यही भावना आज पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, वी कैन डू थिंग्स जो लोग सोचते हैं कि हम करेंगे, क्योंकि वो जज्बा हमारे भीतर है। आज क्राइस्ट जहाँ से उठे हैं, जो उन्होंने बात की कि किस तरह से उनके पिताजी दो महीने का चार भाइयों का एक साथ फीस भरते थे तो दिक्कत हो जाती, पर उसके बावजूद इस हिंदुस्तान में हमको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि आज हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं। क्राइस्ट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू सर। और दोस्तों अगर आपको क्राइस्ट के बारे में कुछ कहना है, उन्होंने जितने खुले दिल से बात की, हमें समझाया, हमें बताया, अगर कहना है तो आप कुछ अपनी टिप्पणी जरूर छोड़िएगा, चैट बॉक्स में छोड़िए, बाद में किसी संवाद के ग्रुप में छोड़िए। क्राइस्ट ने बहुत अपना दिल खोल के आपको अपना पर्सनल नंबर तक दिया है, थोड़ा समझदारी के साथ उसका उपयोग कीजिए, जब जरूरत पड़े उनसे बात कीजिए। सो ग्रेट क्राइस्ट एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड टू बी योर फ्रेंड्स। आई एम नॉट सेइंग जूनियर सीनियर्स, टू बी योर फ्रेंड्स। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, अगली बार फिर हम किसी शानदार गेस्ट से मिलेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हम यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा पॉज लेंगे। शब्बा खैर।
जय हिंद, जय जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबकी इजाजत से, क्राइस्ट आपकी इजाजत से मैं इस सेशन को यहाँ पर पॉज देता हूँ। थैंक यू।